अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब एएसआई ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ही ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ, इट कैन बी सेड दैट, मतलब ये कहा जा सकता है दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था, ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो उसमें कुछ प्रमाण मिले हैं हिंदू मंदिरों के, बहुत प्रमाण मिले, तो एएसआई का जो कंक्लूजन है वही प्रमाण। अब उसके बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पर जो एएसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली, रिमेन्स ऑफ थ्री चैम्बर्स टू द नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, बट द रिमेन्स ऑफ द चैम्बर टू द ईस्ट एंड एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट कुड नॉट बी असर्टेन फिजिकली एज द एरिया इज कवर्ड अंडर अ प्लेटफॉर्म विद स्टोन फ्लोरिंग। सेंट्रल चैम्बर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स द सेंट्रल हॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो यहाँ पे था, मैं इसको फिर से हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ, कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या स्वरूप था उसकी यहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग की है। फिर इसके बाद वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एएसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दे रहा हूँ। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेंबर स्टिल एग्जिस्ट वेयर एज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टर्न हाफ हैज बीन डिस्ट्रॉयड। दिस चेंबर वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विद द नॉर्थ एंड साउथ चेंबर्स थ्रू अ कॉरिडोर एक्सेसिबल फ्रॉम इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंट्रेंसेज रेस्पेक्टिवली। Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक pre-existing हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेंबर, वेस्टर्न प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंट्रल चेंबर एंड वेस्टर्न वॉल्स ऑफ द टू चेंबर्स ऑन इट्स नॉर्थ एंड साउथ। सेंट्रल चेंबर अटैच टू द वॉल एग्जिस्ट अनचेंज्ड वेयर एज मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू द बोथ साइड टू बोथ द साइड चेंबर्स। All these chambers had a opening in the all four directions. Decorated arc entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। देखिए एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंभे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंभे पाए गए हैं, जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है, साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं, महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं, साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं, वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सर ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए।